TennisCricket.in, India's first tennis ball cricket website. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। दोनों ही टीम बहुत प्रेशर में दिख रही है, सन्नाटा छाया हुआ है दोनों टीम के खेमों के बीच में। और ये शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। अच्छी बॉलिंग है यहाँ पे आबू बाकर के। अनमोल ने शॉट जरूर लगाए थे लेकिन पीछे फील्डर मौजूद थे तो कोई रन नहीं। कोशिश अच्छी रही पर रन नहीं मिल पाया। जी हाँ बिल्कुल, अभी बेसमैन को विकेट के साथ साथ रन भी बनाना है तो प्रेशर तो आएगा। अंपायर का वाइड का इशारा और भारत को एक रन का फायदा। जी हाँ बिल्कुल, अभी रन की आवश्यकता है भारत का बहुत। और बांग्लादेशियों ने वाइड जो किए तो बेहतर होगा कि वाइड ना करे अपने बॉल। जी हाँ, अभी उनका एक्स्ट्रा देना उनको बहुत नुकसानदायक होगा। अगर वो एक्स्ट्रा देते हैं इससे भारत को काफी फायदा पहुंचेगा। अच्छा शॉट यहाँ पे और ये मिड। कोई रन नहीं। सोलह गेंदों में 10 रन चाहिए भारत को इस मैच को जीतने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो एक चौका लग जाए तो फिर मैच ही पलट जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, अगर एक बाउंड्री होता है तो इस मैच की जो माहौल है वो बदल जाएगी। जी हाँ वो तो है, लेकिन बांग्लादेशियों ने तो बाउंड्री में अपने रोक जमा कर रखे। अब वो बाउंड्री को छोड़ नहीं रहे। और शॉट, पीछे फील्डर मौजूद लेकिन शायद और ये बाउंड्री। कैंडल फो, वन सेकंड कैंडल फो बजाना। अभी इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 6 रन की आवश्यकता है 14 गेंदों में। बॉलिंग अच्छे कर रहे थे लेकिन फील्डिंग में थोड़ा चूक हो गई है। हो जाता है प्रेशर में कभी कभी। और ये नेक्स्ट गेंद हवा में, गेंद पीछे फील्डर आसानी के साथ एक रन लेते हुए। अच्छी रनिंग यहाँ पे, गुड रनिंग, गुड रनिंग अनमोल वशिष द्वारा। अब जो स्कोर है तेरह गेंदों में 5 रन की आवश्यकता भारत को, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर भारत ध्यान से खेले तो वो मैच को आराम से जीत सकते हैं। अंपायर का इशारा ओवर। 12 गेंदों में सिर्फ 5 रन चाहिए। हमारे जो अंपायर है वो बहुत डेडिकेटिव है,
जी हाँ बिल्कुल, मैं तीन दिनों से देख रहा हूँ। अंपायर का तो तारीफ ही करना चाहिए हमेशा की इतना धूप में खड़ा रहते हैं। जो प्लेयर्स लोग हैं जो आधा इनिंग खेल के फिर रेस्ट लेते हैं, लेकिन अंपायर जो है वो सुबह से शाम तक धूप में खड़े रहते हैं, उनकी तारीफ करना चाहिए। बिल्कुल, अंपायर बिना क्रिकेट अधूरा है, क्रिकेट आप खेल ही नहीं सकते। जी हाँ बिल्कुल, और हम लोग अंपायर का डिसीजन को फाइनल डिसीजन ही लेना चाहिए क्योंकि हम लोग के पास कोई रिव्यू सिस्टम नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, अंपायर का जो डिसीजन है वही आखिरी डिसीजन होता है, और क्योंकि अभी इस टूर्नामेंट में कोई रिव्यू का सिस्टम नहीं है तो अंपायर का ही जो फैसला है वो आखिरी फैसला होता है। जी हाँ बिल्कुल, जो मैंने अभी तक जितना भी मैच देखे इस सीरीज में अंपायर का जो डिसीजन है बहुत ही बेहतर रहा है अभी तक, अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे अंपायर का भी। इतनी धूप में खड़ा रहना भी बहुत ही बड़ी बात है। स्ट्राइक में है कर्नल वर्सेस, और अच्छी शॉट, पीछे फील्डर मौजूद पर फील्डर ने बॉल को बचाया। अच्छी फील्डिंग है यहाँ पे, मैच काफी रोमांचक होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, दोनों खेमों में काफी सन्नाटा छाया हुआ है, देखते हैं क्या होता है। प्रेशर जितना बॉलर में बैट्समैन में भी उतना ही है शायद। बिल्कुल बिल्कुल, कहा जाए तो मुझे भी हो रहा है थोड़ा। अरे बोल, हेलो हेलो, एक मिनट, राणा प्लेयर इंडिया को फिर से इतने प्रेशर में भी बांग्लादेश की टीम और बांग्लादेश के बॉलर जिस तरह से ये काबिले तारीफ है। अक्सर देखा जाता है कि इतने प्रेशर पे सही से गेंद नहीं फेंक पाते ज्यादातर, लेकिन इतने प्रेशर होने के बावजूद भी बांग्लादेश के जो बॉलर्स हैं वो काबिले तारीफ है कि वो विकेट हासिल कर रहे हैं। आपका ये बांग्लादेश की जो बॉलर है इनके बारे में क्या कहना है? जी अशरफुल जो है वो पहले भी तीन ओवर फेंक चुके हैं और ये चौथा ओवर था उसका लास्ट ओवर, आखिरी ओवर में वो बेहतरीन विकेट ले लिए, उन्होंने तीन ओवर में 26 रन दिए। नाउ ब्रेक टाइम, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है बांग्लादेश के खेमों में। और फील्डर वापस अपने पोजीशन पे,
10 गेंदों में भारत को 5 रन की आवश्यकता है और बांग्लादेश को देखा जाए तो सिर्फ एक ही विकेट की जरूरत है। Tri-Nation Wheelchair International Cricket Tournament, Bangladesh, India or Nepal. भारत की ओर से यह आखिरी विकेट है। अगर बांग्लादेश इस विकेट को लेने पे हासिल हो सकती है तो ये ट्रॉफी जो विनर ट्रॉफी है वो बांग्लादेश के नाम होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक बाउंड्री भी भारत लगा सकती है तो फिर ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। बांग्लादेश के कैप्टन की जो कोऑर्डिनेशन है मैदान में वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है। जी हाँ, अच्छी कप्तानी है यहाँ पे, अच्छी। और ये विकेट और ये बांग्लादेश को के नाम ये ट्रॉफी। आज के विनर बांग्लादेश, प्लीज सॉन्ग। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे प्रदर्शन बांग्लादेशियों का।
ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।